ओ खाओ खिलाओ रिश्ते बनाओ रिश्ते बनाओ, चाय मीठा या नमकीन खिलाओ। अरे राजभोग या कोई मिठाई, सोन पापड़ी क्या बात है भाई। अरे भुजिया पापड़िया चटपटी, स्वाद लो नमकीन का। बीका राम जान मल है स्वाद बीकानेर का, स्वाद बीकानेर का। का एक राइट स्टेप आपके आने वाले कल को बेहतर बना देता है, तो लें राइट स्टेप और इन्वेस्ट करें 200 फीट जयपुर जोधपुर बाईपास पर फ्री होल्ड पट्टेशुदा प्लॉट्स में मात्र 7,500 की मासिक किश्तों में। राइट स्टेप जो लेकर आया है बीकानेर में पहली बार अपनी प्लॉट खरीद पर 90% तक का कैशबैक ऑफर, आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देख रहे हैं न्यूज अब तक। आइए डालते हैं कि नजर दिन भर की खास सुर्खियों पर। नोखा पांच और डूंगरगढ़ पंचायत समितियों के चुनाव होंगे 17 तारीख को, पार्टी दल हुए रवाना। नोखा पांचू और डूंगरगढ़ पंचायत समितियों के चुनाव के लिए जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम ने दिए निर्देश। जलदाय विभाग नोखा परिसर में अतिक्रमण के खिलाफ कर्मचारियों ने दिया धरना। नर्सिंग स्टूडेंट ने नर्सिंग समानता के लिए किया प्रदर्शन और दिया धरना। विद्यालयों में अनुपयोगी सामान के निस्तारण के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से निकले आदेश। और पिछले दिनों युवक पर हमला करने के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर के और महिलाओं ने किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीकानेर में भी नोखा पांचू और डूंगरगढ़ में पंचायत समितियों के चुनाव होने हैं, जिनमें सरपंचों के चुनाव किए जाएंगे। इस बाबत जहां पार्टियों को रवाना किया जाना था, वहां पर जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम ने पहले तमाम लोगों को निर्देशित किया। खासतौर से उन्होंने चुनाव प्रक्रिया और मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष तरीके से और निर्विघ्न तरीके से कैसे मुकम्मल करना, इन तमाम बातों को लेकर के उन्होंने निर्देश दिए। दिखाते हैं हम आपको कि क्या कुछ कहा जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम ने। पालन करना पड़ेगा, जानकारी अपने को होनी चाहिए, तो इसलिए जानकारी के लिए आपको ट्रेनिंग दी गई है और आपके पास मटेरियल भी उपलब्ध है, तो इसलिए आप जब आप मतदान केंद्रों में पहुंच जाएंगे तो आप उसको एक बार पुनः रिवाइज कर सकते हैं, ताकि गलती की कोई संभावना नहीं रहे, क्योंकि गलती करते ही आपको वहां पे विवाद की स्थिति उत्पन्न है। तो इस तरीके का हमारा व्यवहार होना चाहिए, इस तरह वो पारदर्शी तरीके से काम करेंगे, लेकिन वो पारदर्शिता आपके व्यवहार से, आपके कार्यों से। आपको मतदान केंद्र छोड़ के नहीं जाना है, आपको मतदान केंद्र के अंदर ही रुकना है, तो आपका मतदान आपके अंदर नहीं रुका है। ये गाँव में पूरी चर्चा का विषय रहता है, तो इसलिए आप सुनिश्चित रखें कि आपका पूरी दल और आपका सारी सामग्री मतदान केंद्र के अंदर ही रहे, किसी भी स्थिति में आप इसको बाहर नहीं ले जाए। फोटो आई उन मतदान अधिकारियों, जो पीठासीन अधिकारी थे, उनके विरुद्ध कार्यवाही हुई। पंचायत चुनाव को लेकर के और इस प्रथम चरण को लेकर के हमने जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम से की विशेष बातचीत। जो मतदान है वो 3 पंचायत समितियों के सरपंचों का चुनाव है, नोखा पांचू एंड डूंगरगढ़। इसमें टोटल 451 मतदान केंद्र है, तो 451 पार्टी हमारी वहाँ रवाना हो रही है, और उनकी व्यवस्था के लिए जो तमाम इंतजामात किए गए हैं, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे उनकी सुविधा के लिए हो, और वहाँ पर जो है पहले ही सेंसिटिविटी एनालिसिस कर ली गई है, और हमारे 72 मतदान केंद्र हैं जो सेंसिटिव डिक्लेयर किए गए हैं, जहाँ पे अतिरिक्त पुलिस का जाब्ता तैनात किया जा रहा है। हालांकि प्रत्येक जो है मतदान केंद्र पर 2-2 पुलिसकर्मी तो है ही, उसके अलावा भी जो अपने 72 मतदान केंद्र हैं, यहाँ पर जो है 1-4 का जाब्ता अलग से तैनात रहेगा, और यहाँ पे वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी कराई गई है, ताकि किसी भी तरह की कहीं चुनाव के दौरान दिक्कत नहीं आए। इसी तरह इन एरियाज में 125 सेक्टर अधिकारी और 12 एरिया मजिस्ट्रेट भी जो है कल तैनात रहेंगे, जो पूरे समय घूमते रहेंगे, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। इसके अलावा 45 पुलिस मोबाइल पार्टीज भी रहेंगी, जो राउंड द क्लॉक फील्ड में राउंड करती रहेंगी, और कहीं ना कहीं किसी न किसी मतदान केंद्र पर इनमें से कोई ना कोई पार्टी
हमेशा अवेलेबल रहेगी, चाहे वो एरिया मजिस्ट्रेट हो, सेक्टर मजिस्ट्रेट हो, पुलिस मोबाइल पार्टी हो। तो कानून व्यवस्था की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कहीं कोई असुविधा की स्थिति नहीं हो। तो संवेदनशील जो हमने किए हैं, जो 72 मतदान केंद्र है जो अलग अलग पंचायत समिति में अलग अलग जो है चिन्हित किए गए हैं, जो पुराने जो है रिकॉर्ड के आधार पर या अभी जहाँ पे जो तनाव की स्थिति है उसको लेकर जो चिन्हित किए गए हैं, और वहाँ पे जैसा मैंने बताया कि वीडियोग्राफी की और अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात करने की व्यवस्था की गई। पंचायत समितियों में चुनाव के लिए आज मतदान कराने के लिए मतदान दलों की रवानगी हुई। हम आपको दिखाते हैं कुछ वो दृश्य जिनमें खासतौर से आज नोखा पांचो डूंगरगढ़ के लिए मतदान दल रवाना हुए। प्रदेश के विद्यालयों में कक्षा कक्षों में जो अनुपयोगी सामान पड़ा है, जिससे कि छात्रों की पढ़ाई और स्टडी से बाधित हो रही है, एक आदेश के साथ जहां माध्यमिक शिक्षा निदेशक हिमांशु गुप्ता ने तमाम प्रदेश के विद्यालयों में जहां कक्षा कक्षों में अनुपयोगी सामान पड़ा है उनके निस्तारण के लिए उन्होंने न केवल आदेश पारित किए हैं बल्कि जल्द से जल्द उनके निस्तारण को करते हुए उन्हें सूचना देने की बात भी की है। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से कक्षा कक्षों में अनुपयोगी सामान होने के कारण से छात्र व छात्राओं की पढ़ाई बाधित होती है और ये अनावश्यक रूप से जो है वह छात्रों के पढ़ने का कक्ष रोक लेते हैं। दिखाते हैं हम आपको नजारा। जलदाय विभाग नोखा परिषद में अतिक्रमण के विरोध में जहां कर्मचारी जो संघ है वह लामबंद हुआ और तकनीकी कर्मचारियों ने आज खासतौर से इस बात का प्रदर्शन किया कि यहां जो अतिक्रमण है उन्हें जल्द से जल्द हटाए। साथ ही साथ उन्होंने एसडीएम कार्यालय के बाहर न केवल ज्ञापन दिया बल्कि यहां पर धरना भी दिया। आइए हम आपको दिखाते हैं कि गोपाल जोशी के नेतृत्व में जलदाय विभाग के तकनीकी कर्मचारियों ने इस अतिक्रमण के खिलाफ प्रदर्शन किया। अभी तो नहीं अगड़ा ही है, आगे पीछे से मुर्दाबाद, अतिशय बिंदा मुर्दाबाद, अतिशय से बिंदा मुर्दाबाद, आवाज दो, आवाज दो। क्या कुछ मामला है, हमने गोपाल जोशी से की बातचीत। राजस्थान के भी तकनीकी कर्मचारी संघ और राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी संघ के संयुक्त तत्वाधान में हमने धरना लगाया है। हमारे रोखा परिसर की जो जमीन है तो हमारे अधिकारियों ने अवैध कब्जेदारियों को दे दी। चूँकि हमने बार बार इनसे वार्ता की और उनको चेताया कि समय रहते ज़मीन खाली करवा लें, क्योंकि करोड़ों करोड़ों की ज़मीनें हैं जो हमारे विभाग की हैं, जो अवैध रूप से वहाँ सब्जी मंडी के जो गाड़े हैं उनको आवंटित कर दी गई है, वो हमारे अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में नहीं, उसके बावजूद भी वहाँ पे कब्जे करवा दिए गए हैं। हम चाहते हैं कि समय रहते ये अधिकारी वो कब्जे वहाँ से हटवाएं और पीएचडी परिवार को राहत दें। अगर ऐसा नहीं होता है तो पीएचडी के तमाम कर्मचारी एकजुट होकर आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेवारी हमारे अधिकारियों की और प्रशासन की। गोपाल जोशी, प्रदेश महामंत्री, राजस्थान पीएचडी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक। क्या बात है, आज तुम उदास क्यों हो? कुछ नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। शॉपिंग चलना है? नहीं। ये लो। वाओ, प्रेमजी अग्रवाल के रसगुल्ले। अब मैं ऑफिस चलता हूँ। अरे, शॉपिंग नहीं चलना क्या? दिल की बात वही जानी जो स्वाद असली पहचानी। प्रेम जी अग्रवाल, रानी बाजार, इंडस्ट्रियल एरिया, बीकानेर।
एक राइट स्टेप आपके आने वाले कल को बेहतर बना देता है। तो लें राइट स्टेप और इन्वेस्ट करें 200 फीट जयपुर जोधपुर बाईपास पर फ्री होल्ड पट्टेशुदा प्लॉट्स में मात्र 7,500 की मासिक किश्तों में। राइट स्टेप जो लेकर आया है बीकानेर में पहली बार अपने प्लॉट खरीद पर 90% तक का कैशबैक ऑफर। आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बीकानेर में नर्सिंग कर्मी एम्स के एक अजीबोगरीब फैसले के खिलाफ प्रदर्शन पर उतारू हो गए। एम्स के नए नियमों के अनुसार 80 और 20 के अनुपात में नर्सिंग स्टूडेंट की नियुक्ति की बात की जा रही थी, इसे लेकर के और स्टूडेंट जो है उन्होंने लैंगिक समानता के साथ में नियुक्ति देने का न केवल समर्थन किया बल्कि 80 और 20 अनुपात का विरोध भी किया। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से नर्सिंग स्टूडेंट्स ने इस आदेश का विरोध करते हुए ज्ञापन भी दिया। हमने यहाँ पर प्रदर्शन कर रही नर्सिंग स्टूडेंट से की बातचीत और जानने की कोशिश की कि पूरा मामला क्या है। हमारी मेन मांगे ये है सर कि अभी एम्स नागपुर में सीआईबी की जो कमेटी है उसके अकॉर्डिंग एक नोटिस निकाला गया है जो भर्ती है उसके अंदर कि 80% फीमेल हो और 20% मेल हो, ये कहीं से सही नहीं है क्योंकि भेदभाव किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 के थ्रू किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये तो एक तरह से भेदभाव हो गया कि 20% लड़के और 80% लड़कियाँ, तो लड़के तो इस हिसाब से उम्मीद ही छोड़ देंगे। दूसरी बात, अगर उनको ये चीज़ करनी थी तो या तो एडमिशन ही बंद करें, और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। करना पड़े कुछ भी करना पड़े, पूरा संगठन, पूरा स्टाफ, पूरा हॉस्पिटल, सब कोचिंग, सब छात्र साथ है क्योंकि ये भेदभाव है और ऐसा भेदभाव होना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। सबको बराबरी होनी चाहिए, लड़के हो चाहे लड़की हो, हमारे साथ लड़कियां भी है। पिछले दिनों एक युवक पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। हमला करने के बाद में हमलावरों को जो है वह गिरफ्तार नहीं करने और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने की शिकायत को लेकर के और जिलाधीश कार्यालय पहुंची। उनके परिजनों में महिलाएं भी शामिल थी, उन्होंने वहां पहले प्रदर्शन किया और गौरतलब है कि उन्होंने इस बात का भी आरोप लगाया कि कोटगेट थाना अधिकारी उन आरोपियों और हमलावरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं हम आपको कलेक्ट्रेट पर करने वाले प्रदर्शन की कुछ झलकियाँ। पूरा मामला क्या है और इन महिलाओं ने जो है वह किस तरह का यह प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया, हमने यहाँ पर उस पीड़ित युवक के परिजनों से की बातचीत। ऐसा वैसा मेरा बच्चा खाना खा के घर से जा रहा था, घर के आगे मेरे बच्चे को 5-6 दिनों ने भाइयों ने नीचे का बेदर्दी से मारा, इतना बेदर्दी मारा था। अड़ोस पड़ोस को साथ मिले, अड़ोस पड़ोस में धमकी भी दे रहे हैं कि आपने इनका साथ दिया ना तो मार मार से फेंक के चले गए। वो इतना साथ से दूध पी, वहाँ हमारे दूध वाले आए तो उन्होंने उठा के वो हॉस्पिटल लेके गए और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस तरह से बच्चे को मारे हैं। किसने पीड़ा, कौन है, कौन लोग? बंटी है सर, मोहब्बत, सलीम पठान, इरफान पठान, बंटी पठान था। और कोई गलती नहीं, खाना खा के खा जा रहा है, पड़ोसियों का धमकी दे रहे हैं। पड़ोसी आज हमारे साथ, कोई पड़ोसी नहीं है, उनको डरा रहे हैं कि आपने उनका साथ दिया था हम आपको भी मारेंगे।
हाँ बच्चा होती में बच्ची है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है हम कोशिश कर रहे हैं, पुलिस भी कोशिश कर रहे हैं, फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? मैं ये चाहती हूँ उनकी गिरफ्तारी हो। और चलते चलते डालते एक नजर आज की खास खास खबरों पर। पंचायत समितियों के चुनाव होंगे 17 तारीख को, पार्टी दल हुए रवाना। नोखा पांचू और डूंगरगढ़ पंचायत समितियों के चुनाव के लिए जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम ने दिए निर्देश। जलदाय विभाग नोखा परिसर में अतिक्रमण के खिलाफ कर्मचारियों ने दिया धरना। नर्सिंग स्टूडेंट ने नर्सिंग समानता के लिए किया प्रदर्शन और दिया धरना। विद्यालयों में अनुपयोगी सामान के निस्तारण के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से निकले आदेश। और पिछले दिनों युवक पर हमला करने के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर के और महिलाओं ने किया प्रदर्शन। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इसी समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।